नमस्कार एबे आसंतु टॉप 5 रे खबर अभियान को आगु बढाइबा। बालेश्वर रे जलका नदी एबे भी विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेउछि। बस्ता ठारे सकाळ 9टा सुद्धा 6.62 मीटर रे बन्या जल प्रवाहित हेउछि। अनेक स्थान रे रास्ता उपरे चालुछि पानी। मथानी रास्ता बुडी थिबा बेले सह सह एकर चासो जमी पानी रे बुडी रहिछि। जलका बन्या रे 12 पंचायत रो 50 गां प्रभावित होइछि। जलका परे चिंता बढाइछि सुवर्ण रेखा। राजघाट रे विपद संकेत 10.36 मीटर थिबा बेले सकाळ 9टा सुद्धा एठारे 9.22 मीटर रे बन्या जल प्रवाहित हेउछि। बालियापाड़ ब्लॉक रो 20टी गां रे बन्या पानी पसिछि। एकतालिया पाखरे घाई जोगु मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर ब्लॉक रो विभिन्न गां रे भी पानी पसिछि। पानी घेर रे अछंती हजार हजार विपन्न। बन्या प्रभावितंकु उद्धार करिबा पई 3टी अग्निशम टीम कार्य रे लागिछंती। पाखापाखि 250 रु अधिक लोकंकु उद्धार करा जाय उच्च स्थानकु निया जायछि। अनेक स्थान रे रास्ताघाट धोईजीवा सहित विच्छिन्न हो जाइछि जोगाजोग। राज्य रे किछि दिन धरी लगातार वर्षा फल रे विभिन्न जगह रे बन्या परिस्थिति उपजिछि। एते बड़ बन्या नहले मध्ये आमे देखुचे खास करिके बालेश्वर एवं तली अंचल रे पानी जमी रहिछि, जा फल रे लोके नाही नथिबा असुविधा रो सामना करुछन्ती। किछि दिन धरी पानी जमी रहिबा फल रे लोकंकर जीवन यात्रा मध्ये ठप होइ जाइछि। जो माने असुरक्षित जगह रे अछन्ती सेमानुकु केमिति सुरक्षित जगह को नियाजिबो, किभलि लोकंकु रिलीफ जोगा जिबो, से दिगरे वर्तमान प्रशासन तत्परता प्रकाश करिछि। अन्य पटे उद्धारकारी दल मध्ये विभिन्न स्थान रे नियोजित होइछन्ती। कोनोसी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति हो बा लोकंकर असुविधा केमिति दूर होइ पारिबो से दिगरे जत्नवान होइ कार्य करुछन्ती उद्धारकारी दल। अपन चित्र मध्ये देखुछन्ती विभिन्न जगह रु जहाँ चित्र हस्तगत होउछि। लोके केउठी अंटाए उच्चर पानी रे रास्ता पार होउछन्ती तो केउठी आंठुए उच्चर पानी रे जिबा पई पडुछि। ए सबु भितरे किभली लोकंकर सुरक्षा एवं धनजीवन सुरक्षा ताहाई प्राथमिकता होइछि एवं विभिन्न जगारे जिमाने जलबंदी अवस्थारे अछन्ती तांकु केमिति सुरक्षित उद्धार करा जिवो से दिगरे कार्य करा जाउछि। एवं धीरे धीरे पानी कमुथिबार सूचना आसुथिले मध्ये बन्यार आशंका बा जो भली पानी जमी रहिछि एहा होइतो आउ किछि समय लागि पारे एवं से पर्यंत आमकु सतर्क रहिबा पई पडिबो। ठीक एही समय रे जिला प्रशासन मध्ये विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करिछि। तबे बन्या मुकाबिला पई कोन प्रस्तुति रहिछि एवं किभली भाबरे वर्तमान परिचालना करा जाउछि बालेश्वर अधिक सूचना जानिबा आम करेस्पोंडेंट सत्यजित सेनापति आम सहित जोडुछंती। सत्यजित, बन्या स्थिति नै सूचना कोन अछि एवं परिचालना किभली भाबरे करा जाउछि, आशा कोन करा जाय पारे, दिने दुई दिन मध्ये रे स्थिति रे सुधार आसिबो? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଆମେ ଯଦି ଜଳକା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର କମିଛି ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏତ ଜଳକାର ପୁଣି ବିପରୀତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯଦି ବା 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ 8.98 ମିଟର ରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ରାଜଘାଟ ଠାରେ। ଇଏ ବିପଦ ସଂକେତ ବା ସତର୍କ ସଂକେତ ଢେର ତଳେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାମସଳା ଘାଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାମସଳା ଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପି ଯାଇଛି। ଯାହା ଖବର ଅଛି ଜାମସଳା ଘାଟରେ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 4.49 ମିଟର ରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ବିପଦ ସଂକେତ ହେଉଛି 49.16 ମିଟର। ତେଣୁ ଏଠି ଜାମସଳା ଘାଟରେ ଯେହେତୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ରାତି ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯୋଉ କିଛି ପାଣି ବଢିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ରହିଛି, ଅନେକ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ଜଳକା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେପଟେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି। ଯଦି ରାତିରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଇଏ ଯଦି ବନ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହବ, କାରଣ ଏଇ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଘୁଚାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଣି ଗୁଡିକ ଜମା ହେଇକି ଥିଲା, ସବୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇନଥିଲା, ପୁଣି ଯଦି ଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢିବ। ଏପଟେ ଜଳକା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଳକାର ଯଦି ବା ଜଳସ୍ତର କମୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6.59 ମିଟରରେ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର, ଯାହାର ବିପଦ ସଂକେତ ହଉଛି 5.50 ମିଟର, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟରେ ପାଣି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଘରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାପ ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି।
स्थिति निर्भर करुच्छी आगामी दिने दुई दिन मध्य केमी वर्षा होमाण कौन होने आम स्थित को आकलन करपर एक कहतु जो मैंने जलबंदी अवस्था अच्छा पाणी घेर अच्छा से निकट में प्रशासन केमी पहुंचुची से व्यवस्था सब कौन हाथ को नि देखो गत काली जदि कथा कहवा केवल जलका बनिया 3000 लोक स्थानांतरित करा जो पाख अंगनवाड़ी स्कूल घर उच्च स्थान जो रही 3000 लोक से पांचटी अग्निशम विभाग और चारोटी ओड्राफ टीम से मुतयन थे गत काली लोक स्थानांतरित करते जदि आज लोक जेहतु टे पा कमला निज निज घर को फेरी कि समस्त आज सका जहां आम लोकों सहित कथा होलु शुखिला खाद्य समस्त पाखे पहुंचा जाती जो जगार संभव नुह से रंधा खाद्यर व्यवस्था कर आर आई मान अर्डर दि जाए चिन्हट करेंगे यथाशीघ्र जो माटी घर गुड़िक धोई जाइए भांगी जाइए पॉलीथिन देवा कारण पुणी वर्षा आसूसी तेनाली पूर्व समस्त पाखे कमी पॉलीथिन पहुंच पार से आर आई मानक निर्देश दिया तेनाली गोटे पटे आम कहीपर जो प्रशासन जोरदार प्रस्तुति चल जोरदार प्रयास चल कि भाव में सब लोक जो असुविधा को दूर करहब कि भितर जो भाई वर्षा हो बारंबार बनिया हो निश्चित भाव में तलिया अंचल लोक तो दुर्दशा रही सत्यजित दृश्य को देखिले अनुमान करा जाई पारे कि चासर अवस्था कौन थी संभवतः बोधे सब धोई जाई थी निश्चित भाव देखु जो जदि रास्ता गुड़िक रही ग्रामांचल रही ये दिने दुई दिन भितर पा कमिज कि चाष जमी गुड़िक पा निष्कासन होगा 10 दिन 15 दिन पर्यटन समय लगे तेना सी एत समय धरी पा भितर बुड़ी रही है निश्चित भाव में जो गुड़ा तली रुआई अल्प दिन भितर जेहतु एथर विलंबर बर्षा है तेणु विलंबर रुआई तली से समय जदि बर्तमान ये पा 10 रु 15 दिन बुड़ की रोते निश्चित भाव में सेगुड़ पचिजी नष्ट होथेष संभावना रही दृष्टि रखा जाए लोक मैंने से चिंतित अच्छा कारण चाष जहां से करते साधारण अधिक फसल यही समय धान चाष गुड़िक सेगुड़ नष्ट होवार बहुत निश्चित भाव में आशंका रही जिला प्रशासन से दिग प्रति के सतर्क रही कृषि विभाग कौन अधिकारी से संपर्क में कौन सूचना दौंट कि चाषी कौन प्रकार संदेश रोचे कि देखु बर्तमान जेहतु जहां आम जिला प्रशासन जो जिलापा सब मत पचारूलु जेहतु बर्तमान चाष जमी गुड़िक पा भरिक रही है तेना से गुड़िक केते नष्ट पा कमला केते नष्ट आकलन करवा टे कष्ट संभव हो पारे तेणु कृषि विभाग जिते पर्यंत पा कमर से आकलन करेंगे से केते क्षयति जहां सरकार के पक्ष जदि क्षतिपूरण दिया हिसाब करा कि वर्तमान पर जी कह जेहतु पा गुड़िक चाष जमी गुड़िक 4 फुट पर्यंत पा जमिक रही है तेणु से गुड़ आकलन बर्तमान संभव नुहे जहां कृषि विभाग पक्ष बिल्कुल स्थित को देखी ही परवर्त समय आकलन करे एसब भितर आम तो आशा करवा निश्चय स्थित में सुधार आसो और प्रशासन आप जो कथा कहते कि तत्परता देखिए किभली भाव में धन जीवन हानि न हो समस्ते सुरक्षित रहिबे ताही प्राथमिकता होइछि बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजित आप समस्त सूचना पाई। एबे आसंतु आज टॉप टू खबर पर नजर पकाइबा एणिकी जने डाक्तर थिबा डाक्तरखाना रे फार्मासिस्ट माने रोगी को निर्दिष्ट औषध दे पारिबे एने लागू हैला सरकारी नियम जो हॉस्पिटल रे जने डाक्तर अछंती सेठारे विभिन्न समय रे रोगी को फार्मासिस्ट औषध सुपारिश करुछंती यहाँ नजर रखी सरकारी नियम संशोधन कर फार्मासीस्ट मैंने 13 प्रकार रोग औषध दे पारे हेले से सबु हस्पिटाल जो जड़े डाक्तर अच्छा एने स्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्देशनामा प्रकाश पाई फार्मासीस्ट मैंने क्यों रोगर चिकित्सा करें क्यों क्यों औषध दे पारे तार एक तालिका प्रकाश पाई एने स्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्देशनामा प्रकाश पाई से मेडिसिन गुड़िक अर्थात जो सब कारण फार्मासीस्ट मैंने देखिपारे ज्वर पर देखिपारे मैलेरिया देखिपारे से छींक काश चर्म रोग डायरिया आघात जनित समस्या पोड़ा जला अणसंक्रमण रोग को देखिपारे स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र बहु पूर्व पंचव्याधि चिकित्सा फार्मासीस्ट मान ट्रेनिंग दि जाता जो डाक्तर नठारे औषध सुपारिश करने फार्मासीस्ट मान कहते गोटे रोग पर 2 औषध थी एवं 3 औषध आसी ड्रग कंट्रोलर परामर्श नहीं संख्या बढ़ा जा सेपटे यहाँ नापसंद करने सहित दुर्भाग्यपूर्ण बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ यार कौन आवश्यकता नथिला बोली डॉक्टर संतोष मिश्र यहाँ से आग को लक्ष्मण रेखा टपिजे तेणु सरकार को निष्पत्ति विज्ञतार परिचय नुहे बोली से कहते बहुत पुराणे आमर थिला जोटा पंचव्याधि चिकित्सा थिला पंचव्याधि चिकित्सा फार्मासिस्ट समस्त ट्रेनिंग दिया पंचव्याधि चिकित्सार स्कोप कि औषध से जोबाला डाक्तर न था आमर सब जगार भी डाक्तर नतबाला से कहला से डिस्पेंसिंग करेंगे से ही पंचव्याधि रोग से मनकर गोटे रोग से 2 औषध थी ए 4 औषध आसला से ड्रग कंट्रोलर परामर्श निया से स्कोपटा बढ़ाला
ମନେକର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଜାଣିଥିବେ ସଲଫାଗୁଆନାଡିନ୍ ମେଟ୍ରୋନିଡାଜୋଲ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛିଟା ଔଷଧ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁ ଔଷଧ କି ସେମାନେ ତାର ସେମାନେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସିଲା ସେମାନେ ସେଇ ଔଷଧ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଗଲା 50 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥିବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଝାଡ଼ା ହେଉ ଜ୍ୱର ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ରୋଗ ଜ୍ୱର ପାଇଁ କରିବେ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ କରିବେ କାଛୁ ପାଇଁ କରିବେ କେତେ ରୋଗ ପାଇଁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ସେ ରହିଯିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖାକୁ ଟପିଯିବେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ସହିତ ସବୁକିଛି କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ କହିବେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏତିକି କାମ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ହିଁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟପି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯୋଉଠୁ ଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଯେବେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେ ତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ସିଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ପୁରୁଣା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଣା ମଦକୁ ନୂଆ ବୋତଲରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିମ୍ଭୁତ କିମ୍ବାକାର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲା ବେଳେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱରକୁ ଏଇ ଏଇ ଔଷଧ ଦବ ଝାଡ଼ାକୁ ଏଇ ଏଇ ଔଷଧ ଦବ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଝାଡ଼ାର ଏଇ ଔଷଧ ଜ୍ୱରର ଏଇ ଔଷଧ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲେ ଏଇ ଔଷଧ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କାଲି ସକାଳେ କରିଦେବେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ଏଇ ଔଷଧ ଦେଇକିରି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବ ପିଲାର କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏଇ ଔଷଧ ଦେବ ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାଲି ତାପରେ ଆଶା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ ସାର୍ ଯଦି ଏତେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାର କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରିରେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥିବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବେ ଯେ ଏଇ ରୋଗକୁ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ରୋଗକୁ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା କାଲି ଔଷଧ କାଲିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଯୋଉ ରୋଗୀ ଏଇ ରୋଗ ଆସିବ ତାକୁ ଏଇ ଔଷଧ ହବ କାଲି ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ତମେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଏଇ ଔଷଧ ଦେଇକି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବ କାଲି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ଔଷଧ ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନା ଏଇଟା ଟୁଣିକା ଟୁଣିକି ଔଷଧ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ଏବଂ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେରିକା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଯେ ଜ୍ୱରକୁ ଏଇ ଔଷଧ ମନେକର ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ ହେଇଥିବ ସେ ତାକୁ ସେଇ ଔଷଧ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଔଷଧ ଦେବି ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ଝାଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିବ କାଲି ଜ୍ୱର ମେନିଂଜାଇଟିସ୍ ହେଇଥିବ ଆରେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଇ ଔଷଧ ଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଫିଜିବୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଏ ଏ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହାତରେ ଧରେଇଦେବା ଅର୍ଥ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୁରୁପଯୋଗ ନ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ କେବଳ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖାକୁ କେହି କ୍ରସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ଡାକ୍ତର ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଇ ଭାବେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡର ଦେବା ମାନେ
तार भल इफेक्ट बाहरी पारे तार खराब इफेक्ट आसपे यार किसी आवश्यकता नाला यार किसी आवश्यकता नाला आज्ञा सर जमी आप कहते कौन नूतनत्व नापत्ति पक्ष उद्देश्य कौन सरकार भिन्न किसी थी जापी मु भावुची सरकार किसी चापरे संघर चाप हो कौन सी चाप हो डाक्तर नहांती डाक्तर तो केवे नहांती डाक्तर आज नुह आज की पचास वर्ष है डाक्तर नहांती चिराचरित कथा आज भी आप देखिए भुवनेश्वर अनेक डिस्पेंसर अच्छी जो डाक्तर नहांती भुवनेश्वर शहीद नगर भाया डाक्तरखाना अधिकांश पाई फार्मासीस्ट काम कर कैपिटल हॉस्पिटल रे दीदी माने डिलीवरी करते कल करद दीदी मानक गायनिक स्पेशलिस्ट करद अर्डर करदे दीदी मानक कह तुम्हें गायनिक स्पेशलिस्ट नॉर्मल डिलीवरी औषध देखिए नॉर्मल डिलीवरी कर एमती कौन अर्डर दि जाए यहाँ निश्चित भाव में ना से इमरजेन्सी पेसेंट को केमी मैनेज करेंगे आगु अर्डर अच्छी यहाँ किसी नुआ अर्डर नुह आम जिते छुटे जाओ आम लिखेदेव ये आम अनुपस्थित फार्मासीस्ट मैंने काम करें फार्मासीस्ट मैंने पुणा प्रेस्क्रिप्शन को रिपीट करेंगे जो मैंने इमरजेन्सी रोगी आसवे चिकित्सा करेंगे ये तो मेडिकल प्रोफेशन एथिक जे कौन सी पेसेंट केमी चिकित्सा अभाव किसी असुविधा न हो सब देखा कथा से भल भाव से विषय में ज्ञान लाभ अच्छी से ट्रेंड होती सेमर अनुभूति अच्छी से करेंगे गोटे अर्डर धरिया कौन ये अर्डर टाक जब से दुरुपयोग करेंगे ताहले एटा भल रूप भेल हो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष मिश्र आप प्रतिक्रिया ब्रेक पर स्वागत वायु प्रदूषण जो पृथ्वी में वर्षक 70 लक्ष व्यक्ति मृत्यु विश्व स्वास्थ्य संगठन एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रे एने सूचना दिया जाएगी प्रथम थर लगी एभली मार्गदर्शिका विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर जारी करा जाएगी केवल से नुहे 90% लोक प्रदूषित वायु सेवन कर पूर्व 2005 विश्व स्वास्थ्य संगठन ए संक्रांत में मार्गदर्शिका जारी कर वायु में थिबा प्रमुख प्रदूषणकारी पदार्थ जो हृदरोग एवं श्वास प्रश्वास आदि रोग से पीड़ित हो लोके मरुवा कथा विश्व स्वास्थ्य संगठन कही 194 सदस्य राष्ट्रों पर उद्दिष्ट यह मार्गदर्शिकार विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषणकारी कठिन और तरल कणिका और नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड समेत मात्राधिक प्रदूषण कारण होते गुड़े पदार्थर अनुमोदन परिमाण ह्रास करने वायु प्रदूषणकारी कठिन और तरल कणिका और नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन निर्गत होता है जलवायु परिवर्तन सहित मानव स्वास्थ्य निमन्ते वायु प्रदूषण होउछि अन्यतम बृहत परिवेशीय विपद बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन कही मार्गदर्शिका अमान्य कले मानव स्वास्थ्य प्रति अधिक विपद पड़े किंतु मानि चलिले कोटि कोटि जनता जीवन रक्षा हो पार बोली दर्शाई विशेषकर वायु प्रदूषण जो फुसफुस कर्कट रोग हृदरोग हृदघात भली अन्यान्य बहु रोग से पीड़ित होती लोके वायु प्रदूषण जनित एत संख्यक मृत्यु अस्वास्थ्यकर भोजन और धूमपान भली अन्यान्य वैश्विक स्वास्थ्य विपत्तिर समकक्ष बोली उल्लेख रही निम्न एवं मध्यम वर्गर आयकारी थिबा देश में बास करुथिबा लोके वायु प्रदूषण जनित रोग से अधिक संख्या रे पीड़ित होउछंती सहरीकरण एवं आर्थिक विकास पई एई सब देश जीवाश्म ईंधन जाळिबारे खूब निर्भरशील हो जाउछंती बोली रिपोर्ट रे कुहा जाइछि। तबे परिवेश प्रदूषण सबुबेले मनुष्य जीवन प्रति विपद रही आसी जितेबेले डब्ल्यूएचओ एक कथा को पुणी थरे आम मानक चेताई देछि स्वाभाविक भाव में अनेक आशंका सृष्टि होउछि तबे वर्तमान समय स्थितिर प्रतिकार कौन अधिक आलोचना करबा डॉक्टर एसएन पात्र परिवेशविद आम सहित जोड़ुछन्ति डॉक्टर पात्र आपनकु स्वागत करुछि डब्ल्यूएचओ रो रिपोर्ट निश्चय चिंताजनक एक कथा आमको बारंबार कहा जाउछि ता सत्वे मध्य आमे केते दूर आगेइचे से दिगरे केते दूर कार्य करुछे से कथा बोधे आपन ही ठीक भाव में कहि पारिबे। नमस्कार आज्ञा डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टा निश्चित भाव आमको गोटे सीरीयस वार्निंग आम धरी ना पड़ो बर्तमान जो भाई अवस्था अच्छी भविष्य आहरी सांघातिक हम तार कारण वायुमंडल जो 200 वर्ष पूर्वे पवित्र थिला आज ना वायुमंडल रे जो धूलिकणा जमा हो गोटे हूँ अंगारम्ल जवखारम्ल गंडकामल मिथेन जल मॉइश्चर ओजन एमती बहुत गुड़े ओजन डिप्लिकेटिंग सब्सटेंस एमती बहुत गुड़े फूल होती आकाश मार्ग रे जो वायुमंडल रे यही जो सब बर्ज्य वस्तु
वायुमंडल को निर्गत होने कहे ग्रीन हाउस गैस बा सबुज गृह बाष्प बाष्पर आयतन 10 मिली माइक्रोन ठार कम जहाँकि नाक भितर पशिकी फुसफुस एकदम कण कण मध्य प्रवेश कर अवस्था आधी कारण आमर खणी द्रुत शिल्पायन द्रुत सहरीकरण गाड़ी मोटर इत्यादि ज्ञान संख्या बढ़ी चलती लोकंर जीवन शैली परिवर्तन होती सुखमय जीवन जापन विलासमय जीवन जापन प्रणाली अवलंबन आम करुचे सामयिक खुशी भविष्य को नष्ट करुचे दिगरे जदि आम सचेतन न हुए तो तार परिणाम आमको ही देवाई पड़ो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पात्र आपण प्रतिक्रिया आलोचना परवर्ती खबर को आसवा पांच दिनिया आमेरिका गस्तर जा वाशिंगटन डीसी में पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमानबंदर पहुंचा पर आमेरिकार वरिष्ठ अधिकारी मोदी को स्वागत करी प्रधानमंत्री सहित तो वैदेशिक व्यापार सचिव जातीय सुरक्षा परामर्शदाता बहु वरिष्ठ अधिकारी एक गस्तर सामिल अच्छा प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन में पहुंचला बेले प्रबल वर्षा होता वर्षा सत्वे युक्तराष्ट्र आमेरिकार बास कर भारतीय मैंने भारत जातीय पताका हल्ई प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत जनाइले प्रधानमंत्री मोदी आंतरिक स्वागत जनाइवा भारतीय वंशोद्भव मानक धन्यवाद जनाई कोरोना समय प्रधानमंत्री यह हे प्रमुख विदेश यात्रा गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी और आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन सहित विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंगे आलोचना हो क्वाड सम्मिलन अवसर में हो बहु प्रतीक्षित भेटघाट द्विपाक्षिक आलोचन सुरक्षा प्रतिरक्षा और वाणिज्य समेत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग स्थान पाइब सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हो अफगानिस्तान में वर्तमान परिस्थिति संपर्क में आलोचना करेंगे मोदी और बिडेन या सहित तो विश्व आतंकवाद आतंकवाद नेटवर्क किभली परिसमाप्ति घटा से संपर्क में चर्चा हो प्रधानमंत्री मोदी आज आमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हारिस को भेटिबे या छड़ा प्रधानमंत्री क्वालकम आरोप फास्ट सोलार जनरल आटमिक्स एवं ब्लैकस्टोन आदि पांचटी प्रमुख कंपानी सीओ मान सहित बैठक करेंगे यापर से विलार्ड होटेल ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भेटिबे न्यूयॉर्क रे जातिसंघ साधारण परिषद बैठक में सामिल हेबे प्रधानमंत्री कोविड 19 सम्मेलन रे मध्य जोग देबे मोदी तारीख की सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 वार्ताएं यानी कि मीटिंग्स अमेरिका में फिक्स्ड हैं जिसमें से 5 मीटिंग्स 15-15 मिनट की 5 सीईओस जो अमेरिका की कंपनी के हेड्स हैं अमेरिकन कंपनीज के हेड्स हैं उनके साथ होगी सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं जिसमें क्वालकॉम और अडोबी दो बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे इन कंपनीज को इस बेसिस पे चुना गया है कि क्या ये कंपनीज अपना भारत में जो ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाएंगी क्या भारत में निवेश करेंगी यानी कि इन्वेस्ट करेंगी ये ग्राउंड रखा गया है इन मुलाकातों के लिए अगर हम बात करें और मीटिंग्स की जो प्राइम मिनिस्टर की 23 तारीख के लिए तय हैं उनमें से 2 मीटिंग्स प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के और जापान के हैं जो कि अमेरिका आए हुए हैं क्वाड समिट के लिए यानी कि 24 तारीख को जो क्वाड समिट होगी उसके लिए स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री सुगा भी यहां पर आए हुए हैं तो इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है वो लॉन्ग ओवरड्यू बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत आना था लेकिन वो भारत नहीं आ पाए थे क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हो गए थे तो ये मुलाकात ये वार्ता दोनों के बीच में पहले से तय थी जो कि अब अमेरिका में हो रही है और जो एक बहुत अहम मीटिंग होगी वो कमला हैरिस के साथ होगी जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस की अगर बात करी जाए तो वो केवल पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं है अमेरिका की वो पहली वुमन ऑफ कलर भी हैं भूल सुधारिला पश्चिमबंग ओडिशा भितर प्रवेश करी निर्माण करिथिबा पाचेरी को राति अधिया भांगिला पश्चिमबंग प्रशासन पश्चिमबंग जलसंपद विभाग पक्षर ओडिशार उदयपुर समुद्र बेलाभूमि पाचेरी निर्माण होता देखा मिलता गत बात्या यश समय पश्चिमबंग तट सुरक्षा पाचेरी भांगि जाता बेले निर्माण कर मेदिनीपुर प्रशासन यह निर्माण बेले मेदिनीपुर तहसीलदार उपस्थित ओडिशा भितर 40 फुट भितरक माटी खोली एक पाचेरी निर्माण होता तेरे स्थानीय लोके कार्यक्रम विरोध करथिबा बेले पश्चिमबंग प्रशासन यहाँ बंद करथिला
परवर्ती समय रे पुनी पाचेरी निर्माण करिबा पई चेष्टा करथिला। एने बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षर एही अंचल रे 144 धारा जारी करिबा सहित काम बंद कर दिया जाईथिला। तबे हठात पश्चिमबंग प्रशासन राती अधरे याकू भांगी देछि।